2016 नवेम्बर 5 रे पोड़ी हत्या करा गला हत्या कला परे सेतबळ जे शासक दल रो एमएलए थिले सी बी एक्साइज मिनिस्टर थिले डॉक्टर दामदोर राउत तांकू सब प्रकार गुहारी कला परे से किछ करि परले नै जेहेतु ए शासक दल रो चाप रहूची सब केस रे से सब केस आज्ञा घंट गोड़े जाऊची जेतबळ 2016 परे 2017 रे क्राइम ब्रांच को केस हस्तांतर हला 17 रु आज की 21 सरी गला किंतु ए 5 वर्ष भितरे क्राइम ब्रांच कोनोसी आसामी धरिबार सफल हला नै तार द्वितीय कारण हो 5 वर्ष भितर क्राइम ब्रांच कह जणो को भी गिरफ्तार करनी नै जोटा बलिष्ठ प्रमाण अछि सीसीटीवी फुटेजटा 5 वर्ष भितर गत फेब्रुआरी 18 रे मो मां आसला विधानसभा को आत्माहुति पई आत्माहुति करबा फल रे मो मां एवं आम दुई भाई की संगीन दफा लगे झाड़पड़ा जेल आज्ञा 14 दिन रखिदेले तार मूल कारण हो राज्य सरकार ए राज्य सरकार आम मान को तो न्याय दौना किंतु ओल्टी आम मान को नहीं जेल पूरे संगीन दफार 14-15 दिन रखिला आम बहुत कष्ट भी सेठ बाहर जो घटना घटी जो से घटना पर कहतु जो कमी पोड़ी मारदे कहार एथेर कहार हाथ थी आपको अनुमान कौन आप पर न्याय पाने से मो भाई की जो पोड़ी हत्या करागला एबर जी आम शासक दल विधायक अच्छा डॉक्टर संबित राउतराय जी हत्या करी से एकांत अनुगत अच्छा पाखे बसा उठा कर सर्वस्व कम से करती जो गोटा कि आज पर्यंत आमको न्याय मिलला ना सीसीटीवी फुटेज अच्छी पुलिस पाखे थी पुलिस पाखे क्राइम ब्रांच पाखे अच्छी द्वितीय कथा हूँ गोटे सीडीआर कॉपी आसे जो सीडीआर कॉपी टा आज पर्यंत क्राइम ब्रांच नेला ना कहीं क्राइम ब्रांच जो शासक दल हाथ रोच से कौन पदक्षेप नाक चाहूना ताने अभियुक्त जी तांको मुंड उपर रहिला शासक विधायक हाथ से बोधवे न्याय पाना आपको परिवार लोके विधानसभा को आसते आपको नारे उल्टा मामला है कि 5 वर्ष भितर क्राइम ब्रांच क्या गिरफ्त कर ये हूँ विड़म्बना ठीक अच्छे मुझे आसपी आउ थे आपको पूरा घटना जानवी तापर जी अच्छा कहतु आप दिलीप कुमार साहू घर बाजपुरा थाना महांगा जिला कटक आज्ञा 2014 मसीहा फेब्रुआरी मस 28 तारीख दिन मो भाई दीप्तिकांत साहू को आम ग्रामर 8 जन दुर्बृत्त अति निर्मम भाव गुड़ कर हत्या कले मु पुलिस रे एफआईआर कली पुलिस आज्ञा तेरे तलपटु 5 जन को गिरफ्त कला किंतु जी मुख्य अभियुक्त प्रशांत किशोर राउत ओरफ नंडा एवं तार दुई घनिष्ठ सहयोगी तांको गिरफ्त कला ना कारण से हूँ मंत्री प्रताप जेनांकर जे खास अनुगत एवं ता प्रशांत किशोर राउत भाई प्रभात किशोर राउत सेतबेलर स्टैंडिंग सरपंच आबे जानते बहुत चर्चित महांगा डबल मर्डर घटन जे भिकारी चरण स्वाई अच्छा अभियुक्त सी थे से बाजपुरा पंचायत रु पीएस मेंबर हो चेयरमैन थे से मंत्री प्रताप जेनांक निर्देश क्रमे पुलिस आज्ञा एफआईआर प्रशांत किशोर राउत ना रखिला किंतु सीडी रे रखिला एवं 10 जन स्टेटमेंट रे प्रशांत किशोर राउत ना कहते चार्जसीट रु आज्ञा ता ना काटिदेला आज्ञा गोटे दुखर विषय जेहेतु मु जो दिन से माने बेल ले 6 मास 10 दिन परे बेल ले आसिले एवं पुलिस रो विलंब चार्जसीट एवं कोहल चार्जसीट पे बेल ले आसिले जो दिन बेल ले आसिले से माने मो घर आज्ञा निया लगे देले एवं तार विजुअल भी फोटो भी मैं आपको देछि तो माने बेल आसी घर निया आज्ञा घर निया लगे देले एवं तापर मध्य मु पुलिस रे एफआईआर कली पुलिस समान कला एफआईआर रेस्टी कला एवं माने वन सीट वन स्टेटमेंट पुणी से 8 जन कहले भी मध्य पुलिस आज्ञा कौन तापर एक्शन नेला ना किंतु जेहेतु से मंत्री प्रताप जेनांकर प्रशांत किशोर राउत हूँ खास अनुगत से कौनसी बाटर पुलिस से मंत्री लोक आज्ञा मंत्री लोक नुह मंत्री ता भाई हूँ शासक दल सरपंच मंत्री जड़े अभ्यासरत क्रिमिनाल जे आईनी मंत्री प्रताप जेना 2014 मसीह कौटी ना कौटी परोक्षर हूँ प्रत्यक्षर हूँ से इनवल्वमेंट अच्छा आप महांगा डबल मर्डर कथा देखते से डायरेक्ट इनवल्वमेंट अच्छा किंतु पुलिस जड़े आईआईसी केबे सतसाहस हम जड़े आईनी मंत्री नहीं हाथ मारे घर को गाँव को जाए ना आज्ञा मुझे दिन ठूँ आज को 7 वर्ष है घर छाड़ी छतीयारे रोचर मैं चार बखरा आजबेस्ट घर था से मंत्री प्रताप जेनांक निर्देश क्रमे से प्रशांत किशोर राउत टोटाल से घर भांगी देले मुं घर छाड़ी छतीयारे आसपे सुब्रत बाबू आप मामला सुब्रत कुमार दास कुजंग मो सान भाई कुजंगर जुब इंजीनियर अमृत दास को गत 20-7-2019 अति निर्मम भाव घर डाकि अति निर्मम भाव हत्या कले 10-15 जन अभियुक्त ना आम प्रथम तीर्तोल थाना एतला देलु तीर्तोल पुलिस केस रजिस्ट्रेशन कला ना पुणी कुजंग थाना देलु कुजंग थाना हत्या मकदमा रुजु कला जेहेतु पिला को घर कुजंग नहीं कि जाते
ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଆମର ମହାକଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କର ଖାସ ଅନୁଗତ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୋତେ ଅତନୁ କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିକି କହିଲେ, ତମେ ଏଠି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ତମେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ କାହିଁ ଏ କଥା କହୁଛ ଆସିକିରି। ମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲୁନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଥିଲା, ସିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସଡ଼ୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2-3 ଥର ଦେଖା କଲୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏ କେସ୍ଟା SIT ଗଠନ କରିକି ତଦନ୍ତ କରିବା। ତାପରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ 28/11/2020 ଦିନ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲଗେଇକିରି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିକି ମାଆଙ୍କୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କଲୁ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମକୁ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ରଖିଲେ, ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ୟାର ବଣ୍ଡରେ ବେଲ୍ ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଲେ।